संविधान के भाग क्या होता है 3 में 12 से लेकर के 35 तक, याद रखिएगा 12 से 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, मूल अधिकार छोड़ मौलिक अधिकार कहेंगे, फंडामेंटल राइट्स कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करने वाले पढ़ने वाले। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले अनुच्छेद 12 क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 12 ये कहता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब ये राज्य नहीं, स्टेट का मतलब क्या होता है सरकार। 3 प्रकार का सरकार होता है, एक होता है सेंट्रल, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा क्या होता है लोकल, याद रखेंगे। अब सवाल ये होता है कि सर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और क्या होता है लोकल गवर्नमेंट के बारे में बता दिया जाए कि क्या होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम यहां से क्या करते हैं कि एमपी चुनकर भेजते हैं, ठीक है, और वो एमपी क्या होता है जाकर के एक मंत्रिमंडल गठन करता है, ठीक है। उस मंत्रिमंडल में से क्या होता है एक मुखिया चुना जाता है, तो उस मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं प्रधानमंत्री कहते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा पूरा देश का है कि देख